हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में पढ़ेंगे और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड टुगेदर, then both physical quantities must have same unit and dimension. मतलब दो फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनकी जो यूनिट और डायमेंशंस हैं वे सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, के बाद में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन निकालेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां से देख सकते हैं ये जो v है ये क्या है, वेलोसिटी, और u भी क्या है, वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन, t है टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, ये भी क्या आता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड हो रही है, ऐसे ही फोर्स फोर्स में ऐड होगा, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में ऐड होगा, स्पीड स्पीड में ऐड होगी, मास मास में ऐड होगा। तो कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो उनकी यूनिट और डायमेंशन सेम होने चाहिए। सेकंड है, फॉर द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज then their unit and dimension may be same or not. कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज है उनका प्रोडक्ट हो या डिविजन हो तो उन फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट एंड डायमेंशन सेम भी हो सकती है और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, जो वेलोसिटी आती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट और टाइम दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी यूनिट और डायमेंशंस भी अलग अलग हैं, लेकिन ये डिवाइड हो सकते हैं। और जैसे कि एक्सेलरेशन सिंपली अगर बोला जाए, एक्सेलरेशन वो क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ऊपर वेलोसिटी है फिजिकल क्वांटिटी, नीचे टाइम, इनकी यूनिट एंड डायमेंशन अलग है लेकिन फिर भी ये यहाँ पे डिवाइड हो रही है। और जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, इनकी यूनिट एंड डायमेंशन भी अलग है लेकिन ये यहाँ पे इनकी प्रोडक्ट क्या है, वैलिड है। जैसे यहाँ पे एक्सेलरेशन इंटू में टाइम, इनकी प्रोडक्ट वैलिड है, एक्सेलरेशन की अलग है यूनिट एंड डायमेंशन और टाइम की अलग है यूनिट एंड डायमेंशन, तो इनकी प्रोडक्ट वैलिड है।
प्रोडक्ट और डिवीजन में दो फिजिकल क्वांटिटीज के उनकी यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड हो सकती है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में ऐड होगा, फोर्स फोर्स में ऐड होगा। थर्ड है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हैज डायमेंशनलेस आर्ग्यूमेंट, एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। फॉर एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो साइन ए, ए क्या है यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, तो ये क्या होगा डायमेंशनलेस। और ये जो कंप्लीट फंक्शन है ये भी पूरा क्या होगा डायमेंशनलेस, मतलब कोई डायमेंशन नहीं होगी। और सेकंड अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करूं, लॉग ए, ए यहाँ पे क्या है आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट इसका क्या होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का डायमेंशनलेस। और कंप्लीट जो फंक्शन है ना लॉगरिथमिक कंप्लीट फंक्शन ये भी क्या आएगा डायमेंशनलेस आएगा। और थर्ड जैसे फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो ई की पावर ए, ए क्या है आर्ग्यूमेंट, ये क्या आएगा डायमेंशनलेस। और कंप्लीट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनकी यूनिट एंड डायमेंशन सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी वेलोसिटी में ऐड होगी, फोर्स फोर्स में, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन में। और प्रोडक्ट और डिवीजन में दो फिजिकल क्वांटिटीज का अगर प्रोडक्ट और डिवीजन है, जैसे यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे प्रोडक्ट, तो उनकी यूनिट एंड डायमेंशन सेम हो भी सकती है और नहीं भी। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस लॉगरिथमिक फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इनका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा डायमेंशनलेस, और टोटल वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ऑल्सो डायमेंशनलेस। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट है एक स्पेशल इंफॉर्मेशन है डायमेंशन ऑफ एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव। डी एन ए डिवाइडेड बाय डी बी एन, ये एनथ ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसकी डायमेंशन क्या होगी डायमेंशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ बी इसकी पावर एन। स्पेशल इंफॉर्मेशन है एन ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसके अगर डायमेंशन पता लगानी है तो डायमेंशन ऑफ डी एन ए डिवाइडेड बाय डी बी एन ये क्या हो जाएगी ए की डायमेंशन डिवाइडेड बाय बी की डायमेंशन की पावर एन। अब है एप्लीकेशंस ऑफ, एप्लीकेशन बोल दो या यूज, यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस।
फर्स्ट है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज हम इस लेक्चर में ये फर्स्ट एप्लीकेशन ही पढ़ेंगे और सेकंड एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। और थर्ड एप्लीकेशन है टू चेक दी करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई फिजिकल क्वांटिटी या कोई फिजिकल इक्वेशन गिवन होगी, फिजिकल इक्वेशन, वो ठीक है या नहीं है विद द हेल्प ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशन, उसको चेक कर सकते हैं। फोर्थ है इसकी लास्ट एप्लीकेशन, फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। और इसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, उसको ड्राइव करना हो तो यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन हम ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन इस लेक्चर में हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम वट एवर बी द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहे कुछ भी हो, कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज हो सकता है। तो ये है क्यू इज इक्वल टू एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। क्यू क्या है? फिजिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। और यू वन कोमा यू टू आर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। एंड एन वन कोमा एन टू आर देयर रिस्पेक्टिव न्यूमेरिकल वैल्यूज। मान ले हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो नहीं सकता, मतलब एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, इसी को ही यूज करेंगे इस एप्लीकेशन में हम। एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। यू वन तो क्या, मान ले कोई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट, और उसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा
एन वन उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मान लो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है यू टू, तो उस सिस्टम ऑफ यूनिट में उसका जो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की वो होगी एन टू। तो एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, इसी का यूज करेंगे हम इस एप्लीकेशन में। ये बताता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता, यूनिट ऑफ मेजरमेंट चाहे कुछ भी हो। तो कुछ एग्जांपल्स करेंगे इसमें हम। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट वन न्यूटन फोर्स इंटू सीजीएस यूनिट। न्यूटन क्या होती है? एसआई यूनिट होती है फोर्स की। तो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वन न्यूटन को कितना डाइन बोलेंगे? मान लो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है एसआई और सेकंड है सीजीएस। एसआई में मास को, मास का रोल कौन प्ले करता है? केजी, और लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकेंड। ऐसे ही मास का सीजीएस सिस्टम में कौन रोल प्ले करता है? ग्राम, और लेंथ का सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड। देख सकते हो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास का रोल केजी प्ले करता है, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड। और हमें ये पता फोर्स जो होता है ना वो होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स की एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। तो वन न्यूटन क्या हो जाएगा? मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फोर्स की जो यूनिट होती है वो होती है डाइन। तो वन डाइन किसके बराबर हो जाएगा? अगेन मास इंटू में एक्सेलरेशन, मास क्या है? ग्राम, एक्सेलरेशन सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यूज करेंगे एन वन यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू। एन वन तो है वन और यू वन क्या है? न्यूटन। एन टू फाइंड आउट करना है और यू टू क्या है? डाइन। तो यहां से N2 फाइंड आउट करना मतलब 1 न्यूटन कितने डाइन होता है। N2 क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 डाइन। तो 1 न्यूटन को क्या लिखते हैं? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 डाइन को 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 केजी कितना होता है? 10 की पावर 3 ग्राम। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, पर सेकंड स्क्वायर से पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल। तो ऊपर आ गया 10 की पावर 5, मतलब 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन होता है। न्यूटन जो कि एसआई यूनिट है फोर्स की, और डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन। एन वन इक्वल यू वन इज इक्वल टू एन टू यू टू, इसका यूज करना है फर्स्ट एप्लीकेशन में। सेकंड न्यूमेरिकल है कन्वर्ट 1 जूल इंटू सीजीएस यूनिट। कन्वर्ट 1 जूल
इंटू सी जी एस यूनिट, जूल किसकी यूनिट होती है एनर्जी की या वर्क की? तो एस आई सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है जूल, और सी जी एस में वर्क की यूनिट होती है अर्ज। तो मास को कौन दिखाता है? केजी। लेंथ को एस आई में मीटर, टाइम को सेकंड। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास का रोल कौन प्ले करता है? ग्राम। और लेंथ का सेंटीमीटर, और टाइम का सेकेंड। और ये तो जूल है ना, ये वर्क की ऐसा यूनिट है या एनर्जी की? वर्क और एनर्जी कुछ भी बोल दो, ये होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। अगर सिंपली बोला जाए वर्क को, और जूल होती है ऐसा यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी इन ऐसा सिस्टम। तो 1 जूल को क्या लिखेंगे हम? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू में एक्सलेशन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। और डिस्प्लेसमेंट और आ गया तो मीटर और आ गया, तो यहाँ से मीटर स्क्वेयर हो जाएगा। और 1 अर्ज, अर्ज क्या है? वर्क या एनर्जी की यूनिट इन सीजीएस सिस्टम। तो 1 अर्ज क्या हो जाएगी? फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स क्या आएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू में एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट की क्या आएगी? सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका यूज करेंगे N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 क्या है? 1, U1 क्या है? जूल। N2 निकालना है, U2 क्या है? अर्ज। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 अर्ज। तो 1 जूल कितना है? 1 kg मीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। और 1 अर्ज कितना है? 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। 1 kg में कितने होते हैं? 10³ ग्राम होते हैं, 10³ ग्राम। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10²² सेंटीमीटर और इसका स्क्वेयर और पर सेकंड स्क्वेयर। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। तो 10⁴ हो गया, 4 और 3 7, तो 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकंड स्क्वेयर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर नीचे कैंसिल, तो N2 की वैल्यू आ गई 10⁷। इसका मतलब 1 जूल किसके बराबर होता है? 10⁷ अर्ज के बराबर। अर्ज है सीजीएस यूनिट वर्क या एनर्जी की, सीजीएस यूनिट। जूल है एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। थर्ड एग्जाम्पल है इसका, कन्वर्ट 1 पास्कल इंटू सीजीएस यूनिट। पास्कल प्रेशर की यूनिट होती है एस आई यूनिट, और प्रेशर की सीजीएस यूनिट क्या होती है? बेरी। तो एस आई सिस्टम ऑफ यूनिट्स और एक सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एस आई सिस्टम में मास का रोल कौन प्ले करता है? केजी। और लेंथ का मीटर, और टाइम का सेकेंड। और सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मास का रोल कौन प्ले करता है? ग्राम। लेंथ का सेंटीमीटर, टाइम का सेकेंड।
जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स बाय एरिया, और प्रेशर की एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल, 1 पास्कल इजिक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो मास 1 kg इंटू में एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 1 kg, 1 - 2 - 1, 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। और 1 बेरी, ये क्या होता है, वो बेरी होती है प्रेशर की सीजीएस यूनिट। ये आ जाएगा 1 डाइन, फोर्स बाय एरिया है ना, तो फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, और एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लो 1 पास्कल इज इक्वल टू N2 बेरी। इसका यूज क्या है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N2 क्या आ जाएगा, 1 पास्कल डिवाइडेड बाय 1 बेरी। तो 1 पास्कल किसके बराबर है, 1 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 1 बेरी किसके बराबर है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg को 10³ लिख सकता हूँ, और मीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 सेंटीमीटर, और इसकी पावर -1 पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 100 की पावर -1 मतलब ये 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर -2 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब 1 पास्कल 10 बेरी के बराबर होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है फोर्थ। एक न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम है स्टार, ठीक है, और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है एसआई। तो इसने गिवन क्या है, मास का जो रोल प्ले करेगा ना स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, वो करेगा 1 kg स्टार, और जो लेंथ का रोल प्ले करेगा वो है मीटर स्टार, और टाइम का रोल जो प्ले करेगा स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वो करेगा सेकंड स्टार। और एसआई में मास का रोल कौन प्ले करता है, केजी, और लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड। और इसमें ये गिवन है 1 kg स्टार, गिवन क्या है, 1 kg स्टार इज इक्वल टू 10 kg, और 1 मीटर स्टार इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, और 1 सेकंड स्टार इज इक्वल टू 1 मिनट। ये है गिवन, और पूछ क्या रखा है, वट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन न्यू सिस्टम।
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इन न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम मतलब स्टार, स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 1 जूल की वैल्यू कितनी होगी? तो एसआई सिस्टम में वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है 1 जूल, तो 1 जूल को क्या लिखूंगा मैं, वर्क है ना, तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स होता मास इंटू में एक्सेलरेशन, और इंटू में डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो वर्क की यूनिट होगी, मान लो वो मान लिया मैंने जूल स्टार, स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट में वर्क की या एनर्जी की जो यूनिट है वो है जूल स्टार, और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स में वर्क एनर्जी की जो यूनिट है वो है जूल, तो 1 जूल स्टार क्या आ जाएगा, 1 kg स्टार, बस स्टार लग जाएगा यहाँ पे, तो मीटर स्टार का स्क्वायर सेकेंड स्टार की पावर है -2। और फाइंड आउट क्या करना है, 1 जूल इज इक्वल टू कितने जूल स्टार, मतलब एन टू फाइंड आउट करना है, तो एन टू क्या आ जाएगा, 1 जूल डिवाइडेड बाय 1 जूल स्टार, तो 1 जूल कितना है, 1 kg m² per s², 1 जूल स्टार 1 kg स्टार मीटर स्टार स्क्वायर सेकंड स्टार की पावर -2, तो 1 kg m² per s² 1 kg स्टार को कितना kg लिख सकता हूं मैं, गिवन है 1 kg स्टार इज इक्वल टू 10 kg, और 1 m² गिवन है 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने होते हैं 1000 मीटर, तो 10³ मीटर और उसका स्क्वायर, और सेकंड स्टार 1 मिनट गिवन है और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो सेकंड स्टार को मैं 60 सेकंड लिख सकता हूँ और इसकी पावर -2, तो ये आ जाएगा 1 kg m² per s² डिवाइडेड बाय 10^6 इंटू मैं 1 × 10^7 kg m² और 60^-2 ऊपर क्या हो जाएगा 3600, और नीचे क्या हो जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, तो kg m² per s² ऊपर नीचे कैंसल, तो एन टू की वैल्यू आ जाएगी 3600 डिवाइडेड बाय 10^7। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 10^5, इसको लिख सकता हूँ मैं 3.6 इंटू मैं 10^-4, तो 1 जूल 3.6 इंटू मैं 10^-4 जूल स्टार के बराबर आ जाएगी। एक स्टार सिस्टम ऑफ यूनिट है ना, यहाँ एसआई तो होता ही है, मास इसमें केजी स्टार प्ले कर रहा है, लेंथ मीटर स्टार, टाइम सेकंड स्टार, और एसआई में तो मास केजी करता ही है, लेंथ मीटर टाइम सेकंड, और ये गिवन है 1 kg स्टार 10 kg, 1 m² 1 km, 1 s² = 1 min। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन न्यू सिस्टम, स्टार सिस्टम में 1 जूल बताना है कितना होगा, तो 1 जूल = n2 जूल स्टार लिख दिया, और 1 जूल इतना होता है, 1 जूल स्टार इतना, तो यहाँ से n2 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है फाइनल न्यूमेरिकल। एक जो न्यू सिस्टम है उसका नाम है देव सिस्टम,
इसमें मान लो मास को कौन प्ले कर रहा है, सचिन, SACHIN नाम है, मास को सचिन प्ले कर रहा है और लेंथ को सन्नी। और टाइम को कौन प्ले कर रहा है, यस, YASH। और CGS सिस्टम है सेकंड, इसमें तो हमें पता ही है मास को कौन प्ले करता है, ग्राम, और लेंथ को सेंटीमीटर, टाइम को सेकंड। तो नया सिस्टम है देव सिस्टम, उसमें मास को प्ले कर रहा है सचिन, लेंथ को सन्नी, टाइम को यश। तो बताना क्या है, इस नए सिस्टम में अगर प्रियांशी इज यूनिट ऑफ फोर्स है, इस देव सिस्टम में प्रियांशी इज यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स को कौन प्ले कर रही है, प्रियांशी। तो बताना ये है, 36 प्रियांशी विल बी इक्वल टू हाउ मच इन सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट में फोर्स की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है डाइन, मतलब N2 डाइन। 36 प्रियांशी इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, फोर्स की जो यूनिट होती है सीजीएस में वो होती है डाइन। और न्यू सिस्टम है जो कि देव सिस्टम, इसमें फोर्स की यूनिट दे रखी है प्रियांशी। तो 36 प्रियांशी इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, मतलब N2 फाइंड आउट करना है। और गिवन है 1 सचिन इज इक्वल टू 1 kg और 1 सन्नी इज इक्वल टू 1 मीटर और 1 यश इज इक्वल टू 1 मिनट, ये गिवन है। एक है देव सिस्टम, दूसरा है सीजीएस सिस्टम। देव सिस्टम में मास सचिन है, लेंथ सन्नी, टाइम यश, फोर्स प्रियांशी। सीजीएस में मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड, और ये गिवन है। और 36 प्रियांशी इज इक्वल टू N2 डाइन है, तो N2 पता लगाना, डाइन होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट। तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो 1 प्रियांशी किसके बराबर आ जाएगी, प्रियांशी किसकी यूनिट है, फोर्स की है ना, और फोर्स होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो 1 मास क्या है इसमें, सचिन, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो लेंथ सन्नी और टाइम स्क्वायर मतलब यस की पावर -2। और 1 डाइन किसके बराबर आता है, अगेन मास इनटू में एक्सेलरेशन, लेकिन सीजीएस में 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से N2 की वैल्यू क्या आएगी, 36 प्रियांशी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 1 डाइन। तो 36 इंटू में 1 प्रियांशी, 1 प्रियांशी है 1 सचिन इंटू में सन्नी और यस की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1 डाइन। 1 डाइन क्या है, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो N2 की वैल्यू आ गई 36 इंटू में 1 सचिन। तो 1 सचिन क्या है, 1 kg, और 1 kg में कितने होते हैं, 10 की पावर 3 ग्राम। और 1 सन्नी क्या है, 1 मीटर, और 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और यस किसके बराबर, 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 सेकंड
और इसकी पावर माइनस टू डिवाइडेड बाय 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/60 की पावर 2, तो 3600, और 3600 से 3600 कैंसल, तो यहां पे बचेगा 10 की पावर 3, तो N2 की वैल्यू आएगी 10 की पावर 3, क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, और 60 की पावर -2 3600 होता है, तो 36 × 100 3600 बचा 10 की पावर 3, तो इसका मतलब 36 इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डाइन। यहां पे क्या आएगा, डाइन से जस्ट पहले 10 की पावर 3 आएगा, ये निकालना था। तो ये थी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए डायमेंशनल इक्वेशंस। वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी 3 यूनिट्स, सॉरी बाकी जो 3 एप्लीकेशंस बची हुई हैं डायमेंशनल इक्वेशन की, वो पढ़ेंगे।